पंजाब नेशनल बैंक अपने 21 एनपीए खातों को बेचने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो करीब 1320 करोड़ रुपए के खराब कर्ज से निजात पा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक अपने 1320 करोड़ रुपए के कर्ज से बचने के लिए 21 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए के खातों को बेच रहा है। बैंक के फंसे कर्ज की वसूली का काम संभालने वाले विभाग सास्त्रा ने कुल 21 खातों की बिक्री की पेशकश की है। इन 21 खातों पर 1320 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। बिक रहे एनपीएस का सबसे बड़ा हिस्सा मोजर बेयर सोलर के पास है, जो करीब 233 करोड़ रुपए का है। डिवाइन अलॉयज एंड पावर कॉर्पोरेशन के पास 200 करोड़ रुपए का, डिवाइन विद्युत के पास 132 करोड़ रुपए का, चिंचोली शुगर एंड बायो इंडस्ट्रीज के पास 114 करोड़ रुपए का और आर्शिया नदन FTWZ के पास 96 करोड़ 70 लाख रुपए का हिस्सा है। इसके साथ और अन्य कंपनी सूची में शामिल है। पीएनबी के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंक इन एनपीएस को एआरसीज यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहता है। इन खराब एनपीएस की बोली बैंक की वेबसाइट पर ई ऑक्शन के जरिए 20 सितंबर को लगाई जाएगी। पीएनबी इससे पहले भी 350 करोड़ रुपए के 6 एनपीएस को अप्रैल और जुलाई के महीने में बेच चुका है। गौरतलब है कि फरवरी के महीने में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा किया गया 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने के बाद वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही तक बैंक के कुल खराब कर्ज 82,888 करोड़ रुपए पर पहुंच गए थे। उजैर अली की रिपोर्ट, गो न्यूज़।